अमृत संगीत सभेच्या उत्तरार्धाला आपण सुरुवात करतोय. आज पंडित व्यंकटेश कुमार यांना साथ करतात शिवराज पाटील आणि कैवल्य पाटील, अर्थातच संवादिनीवरती अजय जोगळेकर आणि तबल्यावरती पंडित कुमार दादा बोस. आपल्या संस्कृतीमध्ये मगाशी धर्म आणि संस्कृतीचा उल्लेख जनरल साहेबांनी केला. 50 नंतर वेगवेगळ्या खरं तर शांती सांगितल्यात की माणूस आता उत्तरार्धाकडे झाला वगैरेच्या म्हणून. मग त्याच्यामध्ये वैष्णवी, वारुणी, उग्ररथ, मृत्युंजय आणि 70 जी शांती आहे तिचं नाव आहे भैमरथी शांती. म्हणजे आयुष्यातलं सगळंच आता वार्धक्याकडे झुकायला लागल्यानंतर आपण सर्व गोष्टीतनं निवृत्ती घेण्यासाठी आणि फक्त त्या नामस्मरणात जाण्यासाठी म्हणून करायची शांती. 70 पूर्ण केलेले दोन कलाकार आपल्या समोर बसलेले असताना, मी मगाशी म्हणलं तशी कलेतनच फक्त कलाकारांची ओळख होते हा भाग आहेच, पण सहज गमतीचा भाग म्हणजे साधनं आणि उपज यांचा अनोखा संगम दिसणारे हे महत्वाचं, आणि 70 सत्कार झाला असला तरी दोघांच्याही नावात कुमार आहे हे महत्वाचं. आणि म्हणूनच अमृत संगीत सभेचा उत्तरार्ध कुमार द्वयीकडून.
Tu sai.
दुख दारी
Nay na na da da na ga, nay na na da da na ga.
और सभी उनका सहकार लेके सभी और हमारा मेन बैकबोन ये कार्यक्रम को गोविंद राव जी, आपको सब पता है मगर बोलना चाहिए कौन अच्छा काम करते हैं उनका नाम एक बार तो बोलना चाहिए। हमें दूसरा दूसरा काम करके नाम लेते उनका हम कितना, अरे वो इतना अच्छा है, उतना कोई भी अच्छा नहीं काम करते हूँ वो सभी बुरा काम कर रहे, मगर अच्छा काम करने के लिए एक बात गोविंद राव जी बहुत अच्छा काम किया बस। ये हमारा धर्म है, नियम है। नियम क्या है, धर्म क्या है? अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छा सुन, अच्छा देख, अच्छा कर, बस इसमें सब आया, सब आया। काने बुआ प्रतिष्ठान से सब विद्यार्थियों को हमारा मंजूषा ताई वही वही स्कूल काट के उनका सिखाते। वो गरीब बच्चा है मगर गरीब है मगर वो स्वभावतः कलाकार होता। उन्होंने एक ऐसे लोगों को उन्होंने लेख के संगीत सिखा के हमारा हिंदुस्तान में ये संप्रदाय संस्कार आया। अभी हिंदुस्तान में संस्कार है। हमारा गुरुजी गदग में वीरेश्वर पुण्याश्रम करके आश्रम करके हजारों हजारों विद्यार्थियों को, गरीब विद्यार्थियों को, अंगविकल, अंध और गरीब ऐसे विद्यार्थियों को 12-12 साल आश्रम में उनको खाना और ये क्या रेसिडेंशियली और विद्या फ्री ऑफ कॉस्ट 12 साल तक हजारों हजारों विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थियों को
ऐसे गुरुजी हमें अभी हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान में है करके अभी ये कला अभी आगे चल रहा है, अभी आगे ऐसे चल रहे हैं। सद्गुणी लोगों को कला मिलता है, वो पैसे देख कर सीखना उनका नहीं होता है, वो गरीब होता है, उनको कौन पहचानता है, उनको पहचान कौन? ऐसे लोग पहचाना चाहिए, ऐसे लोग पहचानना चाहिए। वो एक दिन एक बार बढ़िया होते हैं, साहित्य होता है, बहुत संगीतकार होता है, एक इंजीनियर होता है। हमारे हिस्ट्री में ऐसा है, देखिए तुम हिस्ट्री लेके, हिस्ट्री में ऐसा है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, काका गोविंद काका वो सब मित्र लोगों को। मुझे बात करने का नहीं आता, भाषा का प्रॉब्लम है, कोई आगे पीछे हुए तो क्षमा कर दीजिए। मगर आज हम मेरा पंडित जी के साथ मुझे भी सम्मान मिला। अरे इतना गुणी लोग है, विद्वान लोग है, मुझे भी बहुत काका फोन किया, अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा मन में, अरे पंडित जी हमारा साथ साथ करेगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने के लिए, अच्छा लगता है। मगर एक एक गायन में एक एक सभा में सीखने का कोई चीज़ होता है, हर गायन में हर वो बड़ा कलाकार के साथ गाना बजाना है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रोग्राम के हैं, इसलिए मुझे बहुत आनंद है। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे अच्छा अच्छा कलाकार को आपका प्रतिष्ठान से मान सम्मान करिए, वो भगवान आपको ऐसे रहेगा, ऐसे देते हैं आप, सब लोग देते हैं आपको, पैसा देता है सब लोग देते, सब करते हैं, पैसा का पीछे हम नहीं पड़ेगा, पैसा पीछे नहीं पड़ेगा, हमारा पीछे पैसा पड़ना पड़ेगा। हमारे गुरुजी बोलते थे, देखो तुम नाम के पीछे नहीं पड़ो, तुम्हारे पीछे वो आता है, फक्त प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, फक्त प्रैक्टिस करो, तुम्हारा विद्या और तपस्या और गुरु कृपा ये तीनों मिला बस, और क्या चाहिए। भीमसेन जी एक बार बताए थे, वो पंडित जी आप यू लोगों को एक बात बोलिए, क्या बोलूँ मैं, कौन संगीत सीखता है ऐसे विद्यार्थियों को अच्छा गुरु मिलना चाहिए पहले, बाद में रियाज 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 तीन बार बोले, आखिरी नसीब का बात है, क्या कर रहे हैं। मगर विद्या कौन नहीं लेता ना, विद्या विद्या है, विद्यावंत विद्यावंत होते हैं। इसलिए पुणे लोगों को क्या बोलूँ मैं, पुणे में ऐसे पंडित जी बोला है, पुणे और कलकत्ता हिंदुस्तानी संगीत के लिए, पुणे और कलकत्ता कर्नाटक के संगीत के लिए चेन्नई, ऐसे आज तक पहले से आज तक ऐसे है। पुणे में जाना गाना बजाना इतना आनंद मिलता है, चेन्नई में गाने तो हमें हिंदुस्तानी गाते हैं, वो लोग इतना अच्छा प्यार से सुनता है, इतना प्यार से सुनता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसे बोलता हूँ पूरी हिंदुस्तान में कलकत्ता पुणे और चेन्नई, धारवाड़ तो आप सबको पता है, सभी पांच रत्न कलाकार धारवाड़ में पैदा हो गए।
जननी जगत जननी जगत जननी जगत जननी
लक्ष्मी जगत जननी लक्ष्मी ज्ञान देवी सरस्वती
राग दुर्गा आपको पता है मगर बोलना चाहिए विद्यार्थी लोगों के लिए. पहला का राग था मिया मल्ला. गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी का ध्यान करके मैं मिया मल्ला गाया हूं मगर बारिश आना चाहिए बस. It's like
Hey!
ದಾಸರ ಪದ, ಕನ್ನಡ ದಾಸರ ಪದ ಮತ್ತೆ ಮನಂತರ ಇತ್ತು.
मला काय काय म्हटलं ना, सत्कार तुमचा
सत्कार आहे म्हटल्या ओ चला लो सत्कार म्हणतं पैसे नाही मिळतं ना मला मन मेरा मन में ऐसे सत्कार होता मगर पैसे नाही मिळा का बोल मगर काका काटता सत्कार केला पैसे नाही दिला पैसे भी दिला सत्कार भी केला आजकल ऐसा होता है कलाकार को सत्कार होता है कलाकार को सत्कार होता है मगर उनको क्या चाहिए सत्कार से ज्यादा पैसे चाहिए उनको सत्कार से ज्यादा पैसे चाहिए मगर काका ये प्रतिष्ठान ऐसा नहीं किया दोनों भी दिया कलाकार को ऐसे बोल रहा हूँ सही है सही है बोलना सही है हमारा घर में मैं सच बोल रहा हूँ ये 10-12 ऐसा ऐसे ये क्या बोलते मोमेंट नहीं इसे ट्रक ये क्या ट्रंक कनाडा में बोलते उसमें इतना शाल है ना एक 10-15 ऐसे बड़ी बढ़िया मगर क्या पैसा कलाकार को पैसे चाहिए मगर शान नको खाली फूल माला जाने बस घर में इतना तबला है लेकिन पैसा नहीं बगा बुआ काय म्हणते बगा घर में ज्यादा से 100 से ज्यादा तबला है मगर पैसा नहीं मिलता त्रिगुणाभिमानी
अमित गुण श्रेणी भगवान समझा मना
समझा मना, समझा मना दे, समझा मना दे, हे समझा मना, समझा मना, समझा मना, समझा संपदे सपना सपना सब संपदे सपना 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 सब संपदे सपना सब संपदे सपना